शब्द प्रति मिनट स्टार्ट नाउ। यह एक सुखद संयोग ही है कि पिछले दिनों ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि के 125 वर्ष पूरे हुए हैं। फुल स्टॉप। दोनों महापुरुषों ने गरीबों कौमा दलितों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। फुल स्टॉप। पर इनके आदर्शों को मानने और ना मानने वालों ने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। अब सरकारी और सस्ती शिक्षा शायद ही कहीं मिलती है। फुल स्टॉप। पिछले दिनों संविधान दिवस के अवसर पर संसद में राष्ट्रीय महत्व की बहसें हुई। फुल स्टॉप। संविधान 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था, पर उसकी उद्देशिका में जो कहा गया कौमा वह सपना क्या था क्वेश्चन मार्क। अब असहिष्णुता बढ़ रही है, दलित मंदिरों में नहीं जा सकते, आरक्षण को आज भी प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी के रूप में नहीं अपनाया जा रहा। फुल स्टॉप। कांग्रेस ने शिक्षा और रोजगार के ऐसे क्षेत्र विकसित किए जिनसे आरक्षण का अघोषित अंत हो गया कौमा, और वही कांग्रेस के पतन का कारण भी बना। संविधान समीक्षा के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित मनसा लेकर भाजपा चली थी, उसका भी हश्र कांग्रेस जैसा होगा। बिहार चुनाव का एक संदेश यह भी है कि संविधान की कल्याणकारी योजनाओं को कुचलने का हक अब किसी को नहीं दिया जाएगा। फुल स्टॉप। पर अंबेडकर और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती और मुलायम सिंह की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का जिस तरह सत्यानाश किया कौमा, वह तो कांग्रेस और भाजपा की दलित विरोधी नीतियों को भी पीछे छोड़ता है। बहुत दिनों से राष्ट्रीय दलित महिला आयोग के गठन की मांग उठ रही है। फुल स्टॉप। पर किसी सरकार ने इस दिशा में नहीं सोचा। फुल स्टॉप। ऐसे में संविधान और अंबेडकर पर चर्चा करने का मतलब नहीं है। फुल स्टॉप। जो लोग कहते हैं कि संविधान में अंबेडकर का योगदान खास नहीं है कौमा, उन्हें
राज्य और अल्पसंख्यक शीर्षक से प्रस्तुत उस ज्ञापन को अवश्य देखना चाहिए जो उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की ओर से भारतीय संविधान सभा के लिए तैयार किया था। यह ज्ञापन संविधान का संक्षिप्त रूप था जो उन्होंने संविधान से पहले तैयार किया था। फुल स्टॉप। यह कल्पना ही बेचैन करती है कि आज अगर लोकतांत्रिक कौमा धर्मनिरपेक्ष संविधान ना होता तो दलितों कौमा आदिवासियों और अति पिछड़े समाजों का क्या होता ? जबकि संविधान के होते हुए भी देश में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना पूरी तरह साकार नहीं हो सकी ? ना अस्पृश्यता खत्म हुई ना निरक्षरता ? लेकिन इसके लिए ना संविधान को दोष दिया जा सकता है ना उसके निर्माता बाबा साहेब को ? अंबेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह अंततः बुरा साबित होगा यदि उसका इस्तेमाल करने वाले बुरे लोग होंगे। इसके उलट उन्होंने यह भी कहा कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे ? इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बगैर संविधान पर कोई निर्णय देना या टिप्पणी करना। तो दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे।